अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाहरुख और मेरे दिमाग में ना आप लोगों का बात बार 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 गूंज रहा था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन को पूरा का पूरा फिलअप करके रख दिया है इस बात को लिख करके कि शाहरुख भाई आप MI के नेकबैंड का रिव्यू कब करने वाले हो जो कि ब्लूटूथ वाली लॉन्च हुई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था वो हुआ था MI का ब्लूटूथ हेडफोन, जो कि सुपर बेस वाला हेडफोन था, उसे मैंने कह दिया कि मुझे पसंद नहीं है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ दोस्तों वो हुआ था MI का 27 वाट वाला चार्जर, उसे भी मैंने कह दिया कि कोई काम का नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। और ये जो तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों, जो कि MI का नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन, इसे मैं कहूंगा कि जी हां मुझे ये पसंद है, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ इफ एंड बट्स है जिसे आपको सुनना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वरना आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो गाइस यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसके बॉक्स पैक में हमें क्या कुछ मिल जाता है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और क्या आपको इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहां पे जैसे ही मैंने इस बॉक्स पैक को ओपन करना चाहा तो देखा कि ऊपर में कुछ चीजें रखी हुई हैं। सबसे पहले आपको मिलता है ये दोस्तों MI का बैच, जो कि पीछे में 3M का टेप है जिसे आप निकाल करके इसे कहीं भी चिपका सकते हो। तो ये दोस्तों स्पेशल गिफ्ट है Xiaomi की तरफ से MI Turns 5 के लिए। उसके बाद ये कार्ड भी मिल जाता है MI Turns 5 का और पीछे में कुछ चीजें लिखी हुई है, ब्ला ब्ला उसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे बॉक्स पैक की ओर। तो जैसे ही दोस्तों मैंने बॉक्स पैक को देखा तो बिल्कुल ही दोस्तों टिपिकल Xiaomi का बॉक्स पैक है और पीछे में कुछ चीजें लिखी हुई है कि इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज है और यहाँ पे कुछ और चीजें रखी हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे MRP जो मेंशन है वो है 1999 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन ये मिलता है 1599 रुपए में, यानी कि लगभग 1600 रुपए में। तो फिर भी दोस्तों प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, लेकिन अगेन कोई बात नहीं, हम लोग बातें करते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो जैसे ही मैंने इस बॉक्स पैक को ओपन किया तो अंदर से हमें सबसे पहले मिलता है यहाँ पे ये ईयरफोन, जो कि कुछ इस तरह का दिखने में लगता है। तो उसके बाद अंदर में आपको जो है कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे कि यूजर मैनुअल मिल जाता है, एक वायर मिल जाता है इसे चार्ज करने के लिए, और उसके बाद आपको जो है 3 अलग अलग साइजेस के जो है आपको ईयरबड्स मिल जाते हैं, हालांकि 2 ही है एक्स्ट्रा, लेकिन एक इसमें पहले से लगा हुआ है। तो ये सब कुछ है बॉक्स कंटेंट्स। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यहां पे मैंने इंटरनेट पे देखा तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। हालांकि प्लास्टिक और रबर का बना हुआ है, लेकिन अगेन दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब भी कोई नेक बैंड बनता है तो नेक बैंड को रबर ही होना चाहिए ताकि आपके लिए स्किन फ्रेंडली हो, और वो रबर भी ऐसा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा जल्दी आसानी से स्लिप ना करे। वरना अगर कोई और चीज का बना हुआ रहे, जैसे कि हार्ड प्लास्टिक का बना रहे, तो वो लेफ्ट राइट जो है स्लिप करता रहेगा, जिससे आपके स्किन पे रैशेस पड़ जाएंगे, स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इसे पहन करके रात भर सो गया था, मुझे कोई भी इशू नहीं आई, इसलिए मैं कहूंगा कि इसका रबर जो है काफी फाइन क्वालिटी का रबर इस्तेमाल किया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का रबर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दोस्तों आधे दूर से यहां से इतनी दूर तक प्लास्टिक दिया गया है, जो कि अगेन दिखने में कुछ बुरा नहीं लगता। हालांकि यहां प्लास्टिक की जगह अगर इतनी दूर में मेटल होता तो वो अलग बात होती, लेकिन अगेन मुझे कोई भी इशू नहीं है इसके क्वालिटी से। मुझे लगा कि जी हाँ काफी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, जो कि 3 अलग अलग बटन है, एक है पावर बटन या प्ले पॉज बटन कह सकते हैं, और 2 है दोस्तों वॉल्यूम बटन और गाना चेंज करने का बटन। तो ये सारी चीजें मिल जाती है। उसके बाद आपको माइक्रोफोन मिल जाता है और यहाँ पे एक LED लाइट भी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों साइड की ओर आपको मिलता है यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट, जो कि माइक्रो USB पोर्ट है। हालांकि लाइफ दोस्तों काफी ज्यादा USB टाइप सी पे जा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी हमें माइक्रो USB पोर्ट मिल रहा है, लेकिन अगेन कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा कि इसका जो माइक्रोफोन है वो बिल्कुल ऐसे जगह पे है दोस्तों, जहां पे अगर आप कॉल पे किसी से बातें कर रहे हैं तो आपका वॉयस काफी अच्छे से कैचअप होगा। वरना दोस्तों कई सारे नेकबैंड में माइक्रोफोन कभी पीछे कभी आगे कभी नीचे दे देता है, इसमें दोस्तों ऊपर की ओर है, ये काफी अच्छी बात है, इसलिए आपको बात करने में कोई भी इशू नहीं होने वाली, आपकी वॉयस जो है वो काफी अच्छे से कैचअप होगी, इसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसका जो वायर देखेंगे वो भी थिक वायर है, वरना कई सारे नेकबैंड में काफी पतले पतले वायर होते हैं इसके बाद से, तो वो दोस्तों ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, लेकिन इसका थिक वायर होने के कारण ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, तो ये भी माननी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप ईयरफोन देखेंगे तो ये बना है मैग्नेटिक और मेटल का। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेटल का है, ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, चाहे भले ही दोस्तों ये प्लास्टिक और रबर का हो, लेकिन ये हमें मेटल का दिया गया और आधे दूर से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है और पीछे में मैग्नेट भी मिल जाता है। हालांकि ये जो मैग्नेट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेट नहीं है, लेकिन अगेन आपके काम के लायक है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये ईयरबड्स दिए गए दोस्तों वो काफ़ी एंगल में मुड़े हुए हैं, जिससे आपके कानों में काफ़ी आसानी से ये फिट हो जाते हैं। तो फिटिंग के मामले में
में भी इसमें कोई भी इशू नहीं है, फिटिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। तो ओवरऑल मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग कहेंगे कि बिल्ड क्वालिटी अच्छा नहीं है, मत मानिएगा, मुझे दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक अच्छा लुकिंग वाला भी है, हालांकि एक शिकायत करूंगा कि यहाँ पे कोई भी दोस्तों ये नहीं है कि आप इसमें जो है दोनों को एक साथ बांध सके, वो जो आता है ना दोस्तों होल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वैसा नहीं है। लेकिन अगेन ये वायर इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको किसी तरह का होल्डर का जरूरत पड़े। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे से ऐसे आप सुन सकते हैं पहनने के बाद, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसमें कोई भी इशू नहीं है। चलो इशू वाली बातें ढेर सारी होगी, अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में, इसके साउंड क्वालिटी के बारे में, या आखिर वो कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो भी मुझे पसंद आई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन एक अच्छा साउंड क्वालिटी इसमें दिया गया है। हालांकि 1600 के हिसाब से इसका जो साउंड है और भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकता था, लेकिन अगेन दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी कुछ वैसा भी नहीं है कि आप इस हेडफोन को स्किप कर दें, क्योंकि ऐसी साउंड क्वालिटी वाली हेडफोन्स ब्लूटूथ में बहुत ही कम मिलती है। किसी किसी ब्लूटूथ में दोस्तों ऐसा साउंड होता है जिसमें कुछ चीज़ें हाई होती है, कुछ चीज़ें लो होती है, लेकिन इसमें दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे पहले बात कर ले इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, आप फुल वॉल्यूम पर भी सुन सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे बेस की, तो इसमें बेस भी हाई दिया गया, हालांकि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है जो कि एकदम आपके कान को हिला दे, लेकिन दोस्तों एक दोस्तों एडिक्वेट बेस दिया गया, जो कि हम कहेंगे कि एक अच्छा बेस दिया गया है जिससे आप गाने सुनने में आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें ट्रेबल की, तो इसमें ट्रेबल भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, लेकिन दोस्तों किसी किसी सॉन्ग में, किसी किसी दोस्तों हाई वॉल्यूम पे आपका जो ट्रेबल है कभी कभी इतना ज़्यादा किक इन हो जाता है कि आपको थोड़ा सा चुभन हो सकता है आपके कान में, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है ट्रेबल। अगर बात कर ले वोकल्स की, तो दोस्तों वोकल भी बहुत ही अच्छा है, शार्प है, क्लियर है, और क्लैरिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। अगर बात कर ले दोस्तों ओवरऑल साउंड क्वालिटी की, तो जी हाँ मुझे पसंद आई, मुझे बहुत ही अच्छी लगी साउंड क्वालिटी, एकदम बहुत ही अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बहुत अच्छी लगी साउंड क्वालिटी जिसे आप बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो इसका जो बैटरी है दोस्तों वो चलता है 6 से 8 घंटे तक। जी हाँ मैं दोस्तों 100% पे सुन रहा था और 6 से ज़्यादा घंटे तक चला, 6.5 घंटे 7 घंटे तक चल गई दोस्तों मेरी बैटरी 100% पे, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसमें दोस्तों मैंने लगभग दोस्तों मतलब लगभग समझ लीजिए कि 5.5 घंटे तक मैंने म्यूज़िक किया होगा और 1 घंटे के अंदर का दोस्तों मैंने कॉल लिया होगा, तो उतना देर दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से काम कर गई। और दोस्तों स्टैंड बाई टाइम भी बहुत अच्छा है, मतलब मैं अपने फ़ोन से इसे कनेक्ट करके रात भर छोड़ा हुआ था, गाना वगैरह नहीं चल रहा था, फिर भी सुबह तक 1% भी बैटरी ड्रॉप नहीं हुई, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों, ये काफ़ी झकास लगा। तो बैटरी लाइफ भी बहुत ही अच्छी है, चार्जिंग टाइम है दोस्तों 2 घंटे जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से चार्ज करके, और आराम से आप 2-3 दिन तक सुन सकते हैं अगर आप हार्डकोर म्यूजिशियन नहीं है, हार्डकोर म्यूजिक वाला नहीं। अगर आप हार्डकोर है तो 1 दिन में आप 6 घंटे सुन लीजिएगा, तो 8 घंटे सुन लीजिएगा, तो बैटरी खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें थी। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ओपिनियन के बारे में कि आखिर क्या ये वर्थ है 1600 रुपये में। देखिए दोस्तों साउंड क्वालिटी अच्छी है, मुझे बिल्ड क्वालिटी भी पसंद आई, वायर में भी कोई भी इशू नहीं है, मैग्नेटिक भी है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ है, लेकिन कुछ कमियां हैं इसमें जो कि नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि ये एक साथ 2 डिवाइसेस से पेयर नहीं हो सकता है, ब्लूटूथ 5.0 है तो एक साथ 2 डिवाइसेस से पेयर होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता है, ये मुझे पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़ क्या पसंद नहीं है कि इसमें कोई भी IP रेटिंग नहीं दी गई है, वरना इस रेंज में अगर आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन देखेंगे ज़्यादातर दोस्तों, तो इसमें आपको IP X7 या फिर IPX5 इस तरह के दोस्तों रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जिससे आप जिम करते वक्त इस्तेमाल कर सके, स्वेट प्रूफ मिल जाता है, इसमें ऐसा कोई भी रेटिंग नहीं दिया गया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि स्वेट से इसका कोई भी नुकसान होगा, क्योंकि अगर स्वेट आता भी है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक अंदर तक तो नहीं आएगा, लेकिन अगर अंदर तक आ जाता है स्वेट तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, या इसके बारे में Xiaomi कुछ भी नहीं कहता है। तो ये भी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है कि इसे वाटर प्रूफ या दोस्तों वाटर रेसिस्टेंट नहीं बनाया गया है, Xiaomi ने ऐसा बताया भी नहीं है कि इसकी कोई रेटिंग है या नहीं है, तो ये भी चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है कि ओवरऑल सब कुछ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन Xiaomi से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हाँ अगर Xiaomi कोई ईयरफोन को बनाए तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ईयरफोन, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 1500 रुपये में ऐसी चीज़ दे दे जो कि 3000-4000 रुपये तक कोई और ईयरफोन ना दे, ऐसा चीज़ हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो ईयरफोन है दोस्तों, अगर आप नॉर्मली किसी भी ईयरफोन से कंपेयर करोगे जो कि 1500-1600 के रेंज में आएगा, तो उसमें भी ऐसी साउंड देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जी हाँ ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जो कि हम लोग Xiaomi से एक्सपेक्ट करते हैं। एक अच्छा ईयरफोन ये है जिसे आप बाय कर सकते हैं, नो इश्यूज, प्राइस 200-300 रुपये कम होती तो और भी ज़्यादा ये अच्छा रहता, लेकिन अगेन 1600 रुपये में भी ये कोई खराब चॉइस नहीं है। तो आज का हमारे वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए, और दोस्तों देखिए ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है इसलिए मैं कोई लिंक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, थैंक यू, बाय। कुछ चीज़ें हैं तो जैसे ही आप इस बॉक्स पैक को खोलेंगे
तो बॉक्स पैक को खोलेंगे, किधर से खोलेंगे? आप ये वीडियो जरूर देखिए ये जानने के लिए कि मुझे पसंद है या नहीं है, लेकिन सिंपल वर्ड में स्पॉइलर होता है ना। मैंने भी सोचने लगा कि आखिर भाई मैं कब करूंगा रिव्यू, मैं कर क्या रहा हूं, मैं सिर्फ सो रहा हूं, पबजी खेल रहा हूं, सो रहा हूं। EMI की तरफ से बैच की तरह है, पीछे में 3 मीटर का टेप दिया गया, 3 मीटर नहीं यार, 3M का टेप है। बात करते हैं कि आखिर इसके बॉक्स पैक में हमें क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज दिस, बॉक्स पैक में हमें क्या कुछ मिल जाता है, उसके बाद बात करेंगे इसके साउंड के बारे में। तो सबसे पहले ये काफी फाइन क्वालिटी का रबर का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आधे दूर से और हा, क्या हो गया मुझे।